हमारी तो गलती नहीं है कि राजस्थान सिर्फ एक साल पढ़ा रहा है, बाकी स्टेट तीनों साल पढ़ा रहे हैं, जो लिटरेचर नहीं है उनको दे दी। सर मुझे इतना मेंटल स्ट्रेस है, मैं हर रोज़ अपनी बच्ची को छोड़ छोड़ के पिछले 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ। फाइनल लिस्ट तक में मेरा नाम आया, रैंक के साथ मैंने दोनों में कॉम्पिटिशन फाइट करके करा है, एंड स्टिल मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने हक की चीज़ मांगने के लिए। और कौन सी जो डिग्री खुद यूनिवर्सिटी दे रही है, अगर आपको लगता है एलिजिबल नहीं है तो फिर आप बंद कर दो, दूसरे स्टेट्स आके ले पा रहे हैं और खुद राजस्थानी होके यहाँ बैठे हुए। दूसरा स्टेट का जो कंपलसरी इंग्लिश है उसको इन्होंने दी है, एक होता है ऑप्शनल जिसमें लिटरेचर पढ़ा जाता है, जो हमने भी किया है एडिशनल में, इन्होंने कंपलसरी को दे दी। राजस्थान में कंपलसरी सिर्फ एक साल का होता है, उसको इन्होंने नहीं माना। दिक्कतें सर मेरे घर में एक बेटी है मेरी, मैं उसे हर रोज़ छोड़ के आती हूँ, पिछले 6 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ, दो दो कंपटीशन फाइट किया है। सर कंपटीशन आपको भी समझ आता है, लाखों लोगों में से अगर मैं 1500 में रैंक ला पा रही हूँ मतलब कुछ होगा मुझ में तभी ला पा रही हूँ, पर ये हर बार की तरह पीछे भी दी इन्होंने ज्वाइनिंग, इस बार उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम ऐड निकाला और लास्ट में आके रैंक निकालने के बाद भी लास्ट में आके इन्होंने बोल दिया कि आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। कहाँ फेयर होता है, कहाँ तक ये जायज़ है हमारे साथ? सर हम लोग एडिशनल डिग्री से हैं, मतलब एडिशनल मतलब बीए प्लस एडिशनल बीए, तो इससे हम लोगों ने थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में फॉर्म भरा, हम दोनों जगह सिलेक्टेड हैं। बट अब ये लोग बोलते हैं कि हमें लास्ट तक प्रोविजनली इन्होंने कंसीडर कर लिया, लास्ट स्टेज में भर्ती मतलब नियुक्ति देने से रोक दिया है, बोला आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। पर कोर्ट में हमारा मामला तो चल ही नहीं रहा, वो तो 2016 और 18 का चल रहा है, हम तो 2023 में खड़े हैं, हमारा क्यों मामला चल रहा है? हमने तो प्रॉपर राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, अगर ये फर्जी है तो फिर ये विश्वविद्यालय क्यों खड़ा है यहाँ पे, ये क्यों खड़ा है? आज हम लाखों रुपए दे चुके हैं, बच्चे जिनके पास पैसे नहीं, उधार ला ला के बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं, वकीलों को देते हैं, वकीले खा जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा कोर्ट में, कुछ नहीं हो रहा। हाँ हमारे हमारे स्तर पर करिए, पर वहाँ पे ये लोग 10 सुनवाई हो चुकी है, गवर्नमेंट एजीजी की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं है। अब सरकार चेंज हो गई है, इस सरकार में अभी कोई किसी एजीजी की नियुक्ति नहीं हुई है, उसकी नियुक्ति नहीं होने से हमारा जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे तो हमारा मामला पूरा अटका। सरकार तो बात ही नहीं करना चाहते किसी से, सरकार तो बात ही नहीं करना चाहते। हम लोग 4 दिन सहित इस मार्ग पर थे और 4 दिन यहाँ हो गए, 8 दिन से लोग इंदिरा रसोई में खाना खा रहे हैं, बच्चे खाना खाने तक के पैसे नहीं है बच्चों के पास में, इन्होंने मजाक बना रखा है सबका। सर 2016 और 2018 वालों को नियुक्ति मतलब नियुक्ति दे चुके हैं, सरकार नियुक्ति दे चुकी है 2016 वालों को और 2018 वालों को, वो भी सेम जिस तरह से हमने एडिशनल किया ना, उन्होंने भी 2016 वालों ने और 2018 में जो भर्ती हुई थी उन्होंने भी सेम हमारी तरह एडिशनल की थी, उनको भर्ती दे चुकी, लेकिन हमने सर क्या गुनाह किया जो हमको भर्ती नहीं, हमको नहीं कर रहे हैं ये भर्ती, हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं सर ये। और हमने 3 साल अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में उसके एक साल हमने ये सब्जेक्ट और पढ़े, उसके बाद में मतलब एडिशनल वाले सब्जेक्ट पढ़े, तब जाके हमको मतलब हमारी जो डिग्री है ना वो 4 साल की है सर एक तरह से देखा जाए तो। और ये लोग बोलते हैं फर्जी डिग्री है, सर फर्जी डिग्री तब होती है 12th के बाद में, अगर हम 1 साल की डिग्री करते तो फर्जी होती, हमने 3 साल की पहले तो ऑप्शनल की है और फिर उसके बाद में 1 साल ये की है, तो 4 साल की हो गई हमारी डिग्री, तो सर किस तरह से फर्जी हुई है? फिर दूसरी बात ये सर कि हमने मतलब जिस तरह से कॉम्पिटिशन लाखों स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन दिया था उसी तरह से हमने भी कॉम्पिटिशन दिया है, और लाखों स्टूडेंट्स ने मतलब एग्जाम्स दिया था, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स मतलब 25,000 जगह थी उनमें से सिर्फ 25,000 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए थे और उनमें हम भी सेलेक्ट हुए हैं सर, और उन सब स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर दो दो एग्जाम फाइट करके हम यहाँ पर आए सर, और आज ये कंडीशन है कि हमको प्रोविजनल में सब 2 सूचियों के बाद में मतलब पहले दूसरी सूची आई उसमें हम क्लियर हैं, फिर फर्स्ट सूची में जब आए तो हमको मुख्य सूची के बजाय प्रोविजनल में रख लिया जाता है, तो सर ये हमारे साथ में ऐसी क्यों नाइंसाफी है? बोलते राम राज्य की सरकार है, तो राम राज्य की सरकार सर ऐसी होती है कि हम मतलब छात्र परेशान है सर, कोशिश हम है ना मंत्री राजस्थान के जितने भी मंत्री उन सबसे है ना पर्सनल मिल चुके हैं, कैबिनेट मंत्री से मिल चुके हैं, यहाँ तक कि पहले भी मिल चुके हैं हम, और जो दूसरी सरकार थी उससे मिल चुके हैं, जब है ना बीजेपी की सरकार थी तो हम तो बड़े खुश हुए थे क्योंकि बीजेपी ने 2018 में भर्ती नियुक्ति दी है एडिशनल, 2018 में और 2016 में राजे जी ने खुद नहीं भर्ती दी है नियुक्ति दी है एडिशनल वालों को, तो हम बड़े खुश हुए थे कि अब तो बीजेपी सरकार आ गई तो हमको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी भी हमारे साथ ऐसी हो रहा है सर। सर हम पिछले 4-5 महीनों से मंत्रियों नेताओं यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे उनके पास चक्कर काट चुके हैं, मैं जोधपुर से आता हूँ, मैं जोधपुर में हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री बने उनके पास जा चुके हैं, एमएलए जो जितने उनके पास जा चुके हैं, 4-5 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, आज जितनी भी यहाँ पर भीड़ बैठी है यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको जो फाइनल सेलेक्ट नहीं, फाइनल सेलेक्ट कर ओके
आज यहाँ पर ऐसे बंदे भी बैठे हैं जो टॉप 10 में आ चुके हैं, इंग्लिश भर्ती में टॉप 10 में आए हुए हैं और वो भी यहाँ पर बैठे हैं, और कम नंबर लाए हुए भी जो भी हाँ सेलेक्ट हुए हैं पर वो नौकरी कर रहे हैं, और उनसे हम 100-100 नंबर कट ऑफ में आगे लेकर आए हैं, फिर भी हम यहाँ पे अभी तक धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। आज यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं लोग, कोई जाके इंदिरा रसोई में खाना खा रहा है, कोई चाय समोसा खा के अपना पेट भर रहा है। मैं मेरी हकीकत बताऊँ तो मैं पिछले 6-7 महीने से मेरे घर पर नहीं गया। उसका रीज़न ये है कि घर पर जाऊँ मैं क्या बोलूँ लोगों के, जब मेरा फाइनल सलेक्शन हो चुका है उसके बाद में भी मुझे रोका जा रहा है। उनको लगता है कि भाई या तो इसका सलेक्शन हुआ नहीं, इस वजह से ये झूठ बोल रहा था, इस वजह से मैं पिछले 5-6 महीने से घर पे नहीं गया हूँ। सर हमें नियुक्ति देगी 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट, 18 में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा नियुक्ति दी जा चुकी है। हम तो बीजेपी गवर्नमेंट आने पे अति हर्ष हुए थे सर हमको, और हमारा बिल्कुल लीगल डिग्री है सर, इस डिग्री में किसी तरह की कोई फर्जी डिग्रियाँ नहीं है। ये सर कोर्ट में फर्जी डिग्रियों को लेकर यह मामला गया था, काफ़ी लोग फर्जी डिग्री लेके आ रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल दो कंपटीशन फाइट करके ये सारे मेरिट होल्डर टीचर्स है सर, रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में सेलेक्ट है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं सर, बहुत मेहनत करी है, 5 साल कठिन प्रयास करके हमने ये मुकाम हासिल किया है, और हमें हमारी डीवी करवाई जाती है, 2 गुना में हम सेलेक्ट होते हैं, 1 गुना में होते हैं तो हमको प्रोविजनल पे डाल दिया जाता है सर। ये कुठाराघात है, और हमें इस गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि हमें नियुक्ति देगी। उस टाइम 2016 और 2018 में एग्जाम का अलग पैटर्न था, उस टाइम क्या होता था कि टीचर बनने के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, और वो होती थी पात्रता परीक्षा। तो उसमें क्या होता था, 70% ग्रेजुएशन के मार्क्स और 30% जो आपने उस रीट के अंदर लिए हैं वो ऐड होते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि कई लोग हैं वो 1 साल के अंदर एडिशनल डिग्री करके आए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, और वहाँ से बहुत ज़्यादा परसेंटेज बना के लाए, वो सारे फर्जी थे। जबकि इस बार पैटर्न था क्या, रीट की पात्रता परीक्षा हमने क्लियर की, उसके बाद में हमने जो मेन एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया। ये नहीं, थर्ड ग्रेड ही नहीं, मेरा तो सेकंड ग्रेड में भी टॉप रैंक से सिलेक्शन हुआ है, फिर भी सेकंड ग्रेड में आज तक कोई भी विवाद नहीं है, अभी भी विवाद नहीं था, थर्ड ग्रेड में भी विवाद ये फर्जी डिग्रियों के कारण हुआ। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो की हुई डिग्री थी वो फर्जी थी, जबकि आज सारे यहाँ पे जो बैठे हैं लोग सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहाँ से इन्होंने एडिशनल की डिग्री की है, और डिग्री तो वो पहले वाली जो थी वही डिग्री मान्य होती है, क्योंकि जो एडिशनल है वो एक फोर्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ऐड हुआ, यानी हमारी बीए के अंदर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो, राम राज्य की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार में हम बहुत मानसिक प्रताड़ित हुए थे, और अभी बीजेपी की सरकार आई तब से हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी राम राज्य की सरकार में हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सरकार जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दे।